हेलो फ्रेंड्स, मैं नमक से। आज मेरा पहला दिन है यूट्यूब में। मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, कैसे ड्यूटी करता हूँ। तो अभी मेरे को फिलहाल हमारा मैडम ने फ़ोन किया अदरक लेके आने के लिए। मैं जा रहा हूँ अदरक लाने। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं इधर अंडा ले लिया, अदरक ले लिया। मैं ड्यूटी अभी जा रहा हूँ। जाने के बाद घर पहुँच के फिर वीडियो करेंगे। तब तक बाय। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अंडा लेके और फटाफट एयरफोन पहन लेंगे और काम पे लग जाएंगे। तो इधर मैंने ऑरेंज और मौसमी, वाटरमेलन और अनार का जूस बना रहा हूँ। वाटरमेलन अनार का कॉम्बिनेशन है और मौसमी ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। जूस बना रहा हूँ, फटाफट बना लेंगे। थोड़ा सा लेट हो गया आने में, तो मेरा सर इंतज़ार कर रहा होगा। तो फिर फटाफट में बना के हम लोग सर्व करेंगे। इसी तरह हाथ में निकालिए, मिक्सी में मत निकालिए क्योंकि कड़वा हो जाता। कोशिश करिए कि प्योर जूस पिए और हनी नहीं तो शुगर बिल्कुल यूज मत करिए, वो अच्छा नहीं रहता शुगर ज़्यादा। तो प्योर पीजिए, बिना शुगर का, बिना चीनी का, कुछ भी मत डालिए, बस प्योर जूस। देखिए मेरा रेडी हो गया। जो ग्रीन कलर दिख रहा है ना फ्रेंड, वो है क्या, पावर सर्फ। तो उसमें स्पिरुलिना में है, लेमन ग्रास है और लेमन है, राइस वाटर है। इसको मिला के आप डेली पीजिए, बहुत हेल्दी रहता है। ये कचरा है, हम नहीं फेंकेंगे इसको, कंपोज करेंगे। मैं जूस बना रहा था, बीच में मेरा सर बुला लिया। मेरे को ब्लैक कप चाहिए, मैं रेस का ब्लैक कप ही बना रहा हूँ। ये ब्लैक कप भी बहुत हेल्दी रहता है, बहुत अच्छा रहता है। मैं नॉर्मल भी यूज़ करता हूँ, ज़्यादा टाइम ये रेस का यूज़ करता हूँ। देखिए इधर कंपोज करेंगे हम, आप इसी तरह कंपोज करिए। और सब्जी का कचरा हो गया, जूस का हो गया, कभी फेंकिए मत, कंपोज करिए। ये बहुत अच्छा रहता है पेड़ पौधे के लिए। जैसे हमारा बॉडी में प्रोटीन चाहिए, ऐसा पेड़ पौधे के लिए भी प्रोटीन चाहिए। ये बहुत अच्छा रहता है, कभी फेंकिए मत। और खाना बच गया फेंकिए मत, इसको दे दीजिए। इधर हमारा स्टाफ लोग का टिफिन बन रहा है फ्रेंड्स। इधर क्या बोलते हैं, उपमा, ये रवा का उपमा है और चटनी मूंगफल का चटनी है। इधर मुझे टाइम मिल गया तो मैं सोचा क्यों खाली पकड़ वैसे बैठे, गाली छिल लेता हूँ इधर। और व्हाइट राजमा का बड़ा बन रहा है और उसके साथ क्या बनेगा हमारा, पुटनल का चटनी। पुटनल मतलब तेलुगु में पुटनल बोलते हैं, हिंदी में वो ड्राई चना रहता ना, उसका चटनी। तो हमारा साहब को भूख लग रहा है, क्या करेंगे, फटाफट थोड़ा ब्रेकफास्ट बना लेंगे। सोचा ही नहीं था क्या बनाऊं, साहब को पूछा, सारा बोल रहा है तुम्हारा वो चीज बनाना है बनाओ। तो क्या बनाऊंगा सोचा, तो सुबह चलो एक बॉल बना लेते हैं, स्क्रम्बल अगर एवोकाडो का हेल्दी वाला। वो हमारा साथ जिम करके आता है तो उसको थोड़ा हेल्दी चाहिए। मैं मतलब ज़्यादातर मैं थोड़ा हेल्दी बिना ऑयल बिना मसाला का खाना बनाता हूँ। तो सोचा कि आप लोग के साथ साथ थोड़ा शेयर करूँ, आप भी बनाइए खाइए और हेल्दी रहिए मेरा तरह। और हमारा मैं जैसा रहता हूँ, मेरा साहब को भी मैं ऐसा रखता हूँ। मेरा साहब बहुत अच्छा है और मुझे भी बहुत अच्छा देखता है। तो काम मतलब काम होता है फ्रेंड्स, काम को काम की तरह नहीं देखना, फैशन की तरह देखने का। जितना भी काम हो देख लेंगे, कर लेंगे, बस इसी तरह मतलब देखने का। सो साहब भी बहुत अच्छा है। तो इधर मैंने बनाया, देखो मैं जैसा बना रहा हूँ आप वैसा सेम टू सेम फॉलो करिए, आप भी बहुत अच्छा बनाएंगे। फिर आप सोचेंगे वो सेफ या वो कुक इतना अच्छा बना रहे, हमसे नहीं होगा, हम इतना नहीं बना पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम मतलब कभी हम माँ का पेट से नहीं सीख के आए, हम भी मतलब काम करके, पढ़ाई करके, दूसरे से देख के सीखते हैं, है ना। तो ऐसा हाथी घोड़ा नहीं है फ्रेंड्स कि नहीं होगा, वो बना रहा है मतलब वो कर लिया, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। अगर आपका एक बार मन में ठान लिया ना मैं करूँगा तो सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। कोई मतलब मतलब हाथी घोड़ा नहीं है कि नहीं होगा, सब कुछ मुमकिन है। बस सांभर एक बहुत ईजी है फ्रेंड्स, वो वाइट बटर, दूध, सॉल्ट, पेपर। और अगर आपके पास पार्सल नहीं है, इंडियन किंग है, इंडियन किंग मतलब होता है धनिया, मेरा है वो इंडियन किंग। मतलब धनिया आप किसी में डाल दीजिए, और कोई खाने में आप डाल सकते हैं धनिया। और जिस खाने में आप धनिया डाल देंगे ना, उसमें जान आ जाएगा उस खाने में। तो इसीलिए बस और कुछ भी नहीं डालना, सॉल्ट, पेपर, पार्सल है तो पार्सल। मैं जस्ट बाइंडिंग के लिए प्रोसेस चीज यूज किया, प्रोसेस जस्ट लाइट प्रोसेस चीज यूज किया। आप अगर आपके पास बुकन जिन है वो भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है, बहुत हेल्दी रहता है। तो इसका ऊपर आप अगर डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, पेपर डालेंगे, सॉल्ट ऑलरेडी डाला हुआ है, स्क्रम्बल लगना एक बार चेक कर लीजिए। अगर ज़्यादा है तो मत डालिए, अगर कम है तो डाल दीजिए, पेपर डाल दीजिए और चिली ऑयल और रोस्ट किया हुआ पीनट और आपका क्या है मेयोनीज, वो है फ्राइड किया हुआ अनियन। वो सेलो फ्राई वाले ने, मैं डीप फ्राई नहीं किया, आप चाहे तो डीप फ्राई करते, डीप फ्राई हेल्दी नहीं होता इसलिए मैं डीप फ्राई नहीं करता हूँ। तो अगर मेरा वीडियो फ्रेंड्स आप लोग को अच्छा लगता होगा, अगर मेरा बात आपको अच्छा लगता होगा, प्लीज़
दूसरे से शेयर करिए, रेसिपी बताइए, आप खुद बनाइए, दूसरे को खिलाइए। और मेरा वीडियो अगर बहुत पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह अच्छा अच्छा वीडियो आपको ला के दिखाऊँगा, मैं खुद सीखूँगा, आपको सिखाऊँगा। और आप बना के खाइए, खुश रहिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, बाहर का खाने से बचिए। बाहर का खाना अच्छा रहता लेकिन इतना भी अच्छा नहीं रहता, डेली नहीं खा सकते, कभी कभार चलता बाहर का खाना। देखिए मैं ये हुमर चिली ऑयल है, आप भी खुद बना सकते हैं, गर्म के तेल में थोड़ा डाल दीजिए चिली, हो जाएगा चिली ऑयल। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा लंच नहीं है, छुट्टी है, तो ब्रेकफास्ट मेरा बन गया, तो मैं जा रहा हूँ प्रॉन लाने। आज शाम को बहुत अच्छा रेसिपी बनने वाला है, तो मेरा चैनल पर बने रहिए। तो मैं शाम को क्या बनाता हूँ मैं आपको पूरा रेसिपी बताऊँगा कैसे बनाता हूँ, क्या करता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ प्रॉन लेने, शाम को बनेगा बटर गार्लिक प्रॉन और कॉन्ग पाव चिकन। फ्रेंड्स मैं पूरा सामान लेके आ गया हूँ, अभी जा रहा हूँ जहाँ काम करता हूँ वहाँ सामान रखने। तो देखिए क्या धूप है, धूप में एकदम आदमी जल जाएगा। तो सेफ लोग का ज़िंदगी ऐसे रहता है फ्रेंड्स, चाहे घर में काम करे चाहे होटल में काम करे, सेफ सेफ रहता। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कंटिन्यू करते रहे। शाम को मिलता हूँ आपको, कहता हूँ क्या बनाता हूँ, कैसे क्या बनाता हूँ, आपको दिखाऊंगा जरूर। तब तक बाय।